आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और बेहतरीन कहानी, द ट्रेजेडी एट मार्टसन मैनर। एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी। मिस्टर माल्ट्रिविस, जिन्हें अभी अभी बिजनेस में बहुत लंबा नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे अपनी इंश्योरेंस कराई हुई है 50,000 पाउंड की। यानी कि अगर उनकी मौत होती है, नेचुरल डेथ होती है, तो उनकी पत्नी को 50,000 पाउंड मिलेंगे। अब इसी बात पे शक की सुई घूम जाती है उनकी मौत पर कि क्या सच में उनकी मौत एक नेचुरल डेथ थी, सुसाइड थी या फिर मर्डर। जानेंगे हम इस कहानी का राज इस कहानी के एक्सप्लेनेशन में, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब नॉर्दर्न यूनियन इंश्योरेंस कंपनी हायर करती है पॉयरो को। पॉयरो को ये काम दिया गया है कि वो ये पता लगाए कि मिस्टर माल्ट्रिविस की जो मौत हुई है वह नेचुरल डेथ है, सुसाइड है या फिर मर्डर है, और उसी के बिना पर मिसेस माल्ट्रिविस को वो 50,000 पाउंड की बड़ी रकम दी जाएगी। मिस्टर माल्ट्रिविस, जिन्होंने मार्टसन नाम के एक छोटे से गांव में बहुत बड़ा बंगला खरीदा था बहुत सस्ते दामों पर, उस समय वो बहुत अमीर थे, लेकिन फिर उन्हें बिजनेस में घाटा हुआ और वो बैंकरप्ट हो गए। हेस्टिंग्स और पॉयरो को इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा मार्टसन ले। मार्टसन ले वह गांव है जहां पर मार्टसन मैनर स्थित है। दोनों ट्रेन पर सवार होकर कुछ ही देर में मार्टसन ले पहुंच जाते हैं। स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे वह मार्टसन मैनर, यानी कि वो बड़ा सा बंगला बना हुआ है जहां पर मिस्टर माल्ट्रिविस की मौत हुई है। उस गाँव में सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर रैल्फ, वो भी अब बूढ़े हो चले हैं। मिस्टर माल्ट्रिविस की मौत पर उन्होंने ही जाके ये देखा था, उनकी बॉडी चेक की थी और उन्हें मृत घोषित किया था। उन्होंने ही कंपनी को ये भी बताया था, इंश्योरेंस कंपनी को, कि उनकी एक नेचुरल डेथ हुई है, उनका ब्रेन हैमरेज हो गया है। कुछ दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। मिस्टर माल्ट्रिविस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फिट नहीं थे। ये सब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख के उस इंश्योरेंस कंपनी को भेजा था। पॉयरो जब उनसे पूछताछ करते हैं डॉक्टर रैल्फ से, तो वो पूछते हैं कि क्या उन्होंने ऑटोप्सी करवाई है बॉडी की। डॉक्टर रैल्फ कहते हैं कि ऑटोप्सी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके मुंह से खाली खून बहा था मिस्टर माल्ट्रिविस के, और कोई चोट का निशान नहीं था उनकी बॉडी पर। इसका मतलब ब्रेन हैमरेज हुआ और उनके मुँह से खून बहा, उनकी मौत हो गई। तब कहते हैं पॉयरो कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने केस के बारे में सुना था जहां पर एक फार्म हाउस में इसी तरह से मौत हुई थी उस शख्स की। पुलिस को लगा था कि नेचुरल डेथ है, उसके भी मुंह से खून बहा था, लेकिन जब ऑटोप्सी हुई तो उसके ब्रेन में से एक बुलेट निकली थी और तब मालूम पड़ा था कि उस आदमी का मर्डर हुआ है। तब डॉक्टर रैल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनके काम में कोई मीन मेक निकाले। उन्होंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अगर मिस्टर माल्ट्रिविस की मौत उन्होंने कह दिया नेचुरल डेथ है, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई क्रॉस क्वेश्चन करे। और ये कह के वह हेस्टिंग्स और पॉयरो से वहाँ से जाने को कहते हैं और लगभग उनके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पॉयरो कहता है कि ये काफ़ी खड़ूस लगते हैं, बूढ़े भी हो गए और काफ़ी गुस्से वाले हैं डॉक्टर रैल्फ, उन्हें अपने काम के तरीकों में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। खैर, अब किससे पूछताछ करें पॉयरो, इसीलिए वो पहुंच जाते हैं मार्टसन मैनर। काफ़ी बड़ा सा फार्म हाउस जैसा बंगला है ये बीच में, और चारों तरफ खेत ही खेत हैं। बहुत मेंटेन तो नहीं है, लेकिन वहाँ दरवाज़ा खोलती है उनकी मेड, वहाँ पर एक माली भी काम कर रहा है। मेड बुला के लाती है मिसेस माल्ट्रिविस को। मिसेस माल्ट्रिविस जो बहुत दुखी लग रही हैं, उन्होंने काले कपड़े पहने हैं, लेकिन इस दुख की हालत में भी वो बेहद खूबसूरत है। उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखें हैं, छोटा प्यारा सा चेहरा है और वो काफ़ी गोरी हैं। वो कहती हैं कि क्या आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। पॉयरो कहता है कि नहीं, हम लोग इन्वेस्टिगेट करने आए हैं कि क्या सच में मिस्टर माल्ट्रिविस नेचुरल मौत मरे थे। कहती हैं मिसेस माल्ट्रिविस की हाँ, उस रोज़ क्या हुआ था वो बताने लगती हैं। वो कहती हैं कि नौकर किसी काम से बाहर गया था, मेड किचन में खाना बना रही थी और मिसेस माल्ट्रिविस दवाई लेने के लिए बाहर गई थी। जब ये दवाई लेके लौटी तब इन्हें फार्म में से 2 बार गोली चलने की आवाज़ आई। ये भागकर गई देखने के लिए कि शायद मिस्टर माल्ट्रिविस ने किसी चिड़िया का शिकार किया है,
लेकिन जब वो वहाँ पर जाती हैं तो देखती हैं कि मिस्टर मार्टरवीज गिरे पड़े हैं, उनके मुंह से खून बह रहा है और उनकी बड़ी सी राइफ़ल जिससे वो शूट करते थे, शिकार करते थे, वो वहीं बगल में गिरी पड़ी है। ये देख के वो बिल्कुल चौंक जाती हैं। वो नौकर को जल्दी से बुला के लाती हैं और तुरंत डॉक्टर रैल्फ के लिए भेज देती हैं कि डॉक्टर रैल्फ को बुला के लाया जाए। डॉक्टर रैल्फ उन्हें वहीं पर मृत घोषित कर देते हैं। पोयरो सब को चुपचाप सुनते रहते हैं, फिर वहाँ से उठते हैं और बाहर की तरफ चल देते हैं। कहते हैं वो हेस्टिंग से कि ज़्यादा अब पूछने को कुछ बचा ही नहीं। उन्हें भी लग रहा है कि मिस्टर मार्टरवीज की डेथ एक नेचुरल डेथ है और वो यही रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। तब तक वो देखते हैं कि घोड़े पर बैठा एक लंबा सा नौजवान चला आ रहा है और वह घोड़े से उतरता है और सीधे चला जाता है मार्चन मैनर के अंदर। वह माली से पूछते हैं कि ये नौजवान कौन है। माली कहता है कि ये एक कैप्टन है, ये मंगलवार की रात को मिलने आया था मिस्टर मार्टरवीज से, इसने यहाँ पे डिनर भी लिया था और ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं आता, एक ही आध बार आया है। चुपचाप से पोयरो और हेस्टिंग उस कैप्टन का पीछा करते हुए छत पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिसेस मार्टरवीज खड़ी थी। ये नौजवान कैप्टन बहुत दुखी था और वह बार बार मिसेस मार्टरवीज से कह रहा था कि एक दिन पहले ही तो वह मिलकर गया था मिस्टर मार्टरवीज से, उसके साथ डिनर किया था और तब तो वह बिल्कुल ठीक थे, कोई कह नहीं सकता था कि अगले ही दिन उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मिसेस मार्टरवीज खुश नहीं होती उस कैप्टन को देख के, उनकी चेहरे की रंगत उड़ जाती है। वह कहती हैं कि तुम तो ईस्ट अफ्रीका जा रहे थे, फिर यहाँ कैसे आ गए। वह कैप्टन कहता है कि हाँ मैं जा तो रहा था, लेकिन जब मैंने मिस्टर मार्टरवीज के बारे में सुना अगले ही दिन बुधवार को कि उनकी मौत हो गई, तो मैंने अपना जाना पोस्टपोन कर दिया और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, अब मैं कुछ दिनों में ही फिर से सफ़र पर निकल जाऊँगा। इतनी बातें हो रही थी तभी मिसेस मार्टरवीज की नज़र पड़ जाती है छुपे हुए हेस्टिंग्स और पोयरो पे। पोयरो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, वो अपनी जेब मिटाने के लिए कहते हैं कि अरे लगता है मैं अपनी छड़ी यहाँ भूल गया था, लेकिन छड़ी तो वहाँ नहीं थी। वह ढूंढने का नाटक करते हैं और तब उनकी और किरकिरी होती है। वह फिर से माफ़ी मांगते हैं कि अरे लगता है मैं छड़ी कहीं और रख के भूल गया हूँ, और वो ये कहते हुए तेज़ी से हेस्टिंग्स के साथ नीचे उतर जाते हैं। उनके पीछे पीछे कैप्टन भी उतर आता है। कैप्टन जब वापस जाने लगता है तब पोयरो उससे कहते हैं कि मैं रात में तुमसे मिलना चाहूँगा। कैप्टन कहता है कि बिल्कुल मैं हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हूँ। कैप्टन रात में पोयरो और हेस्टिंग से मिलने उनके होटल में आता है जहाँ वो लोग रुके थे। तब पोयरो से पूछते हैं कि तुम मंगलवार की रात को जब डिनर करने गए थे मिस्टर मार्टरवीज के घर पर तो क्या बातें हुई। कैप्टन कहता है कोई खास नहीं, ऐसे युद्ध की बातें हुई, जर्मनी की बातें हुई और हाँ मिसेस मार्टरवीज ने मुझसे ईस्ट अफ्रीका के बारे में बहुत से सवाल किए, बस इधर उधर के कहानी किस्से, कुछ ताज़ी खबरों के बारे में बात हुई और बस ऐसी ही बातें हुई थी, कोई ख़ास चीज़ उसे याद नहीं है। पोयरो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक खेल एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा साइको एनालिसिस करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। कैप्टन कहता है साइकोनालिसिस ये किस लिए। पोयरो कहते हैं कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हमें अब याद नहीं रहती, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूँगा तो शायद मुझे कुछ हेल्प मिल सके। कैप्टन तुरंत हेल्प करने को तैयार हो जाता है। पोयरो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शब्द दूंगा और उस शब्द को सुन के पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आएगी वो तुम बिना रुके बिना सोचे तुरंत बोल दोगे। कैप्टन कहता है ठीक है। गेम शुरू हो जाता है। पोयरो सबसे पहले कहते हैं डे, तो कहता है कैप्टन नाइट। फिर पोयरो कहते हैं नेम, तो कैप्टन कहता है शो। पोयरो कहते हैं जर्नी, कैप्टन कहते हैं शिप। फिर पोयरो कहते हैं राइफल, तो कैप्टन कहता है सुसाइड। पोयरो कहते हैं सुसाइड, कैप्टन कहता है फार्म। फिर पूछते हैं पोयरो फार्म, तो कैप्टन कहता है शॉट। फिर बोलते हैं उससे पोयरो के एनिमल, कैप्टन कहता है एलिफेंट। पोयरो कहते हैं थैंक्स, तुमने मेरी बहुत मदद की। कैप्टन चला जाता है और पोयरो ये सब कुछ एक डायरी में नोट कर रहे थे। तब बोलता है हेस्टिंग्स से तुमने अजीब से सवाल किए, कैप्टन ने अजीब तरह के आंसर दिए और तुमने उसे थैंक्स कहा, तुमने क्या साइको एनालिसिस कर लिया इससे। पोयरो कहते हैं देखो
वो आदमी जर्नी बोलने पे तुरंत शिप बोलता है, इसका मतलब वो सच में यात्रा पे तो जा रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन डे कहने पे वह नाइट कहता है, इसका मतलब रात की कोई तो बात है जो उस दिन पार्टी में हुई थी, उस डिनर पार्टी में। फिर जब मैं उसे बोलता हूँ राइफल तो वो कहता है सुसाइड, मैं उसे पूछता हूँ सुसाइड तो वो कहता है फार्म, और जब मैं उसे फार्म कहता हूँ तो वो कहता है शॉट, यानी कि किसी आदमी ने खुद को फार्म पे शूट करके सुसाइड किया था। ये बिल्कुल उसी खबर से मिलती जुलती खबर है जो मैंने उस दिन डॉक्टर रैल्फ को बताई थी, कि मालूम पड़ा था कि एक आदमी ने कि नेचुरल डेथ हो गई थी, लेकिन जब बाद में उसका ऑटोप्सी करवाते हैं पुलिस वाले तो मालूम पड़ता है कि उसने खुद के मुँह के अंदर बंदूक रख के मार लिया था, अपने आप को सुसाइड किया था। यही बात खबरों में उसने सुनाई थी उस रात में डिनर टेबल पर। फिर कहते हैं पैरों की रुको, मुझे लंदन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, और वो चले जाते हैं और बहुत देर तक वो लंदन कॉल पे ही रहते हैं। जब कॉल से लौटते हैं पैरों तो हेस्टिंग से कहते हैं कि आज रात हम लोग को फिर से मिलने जाना है मिसेस मेल्ट्रीवीज के घर और उनसे आखिरी विदा लेनी है। हेस्टिंग्स और पोयरो पहुंच जाते हैं मिसेज मेल्ट्रीवीज के घर। मिसेज मेल्ट्रीवीज उनसे कहती हैं कि अगर पोयरो उनके साथ डिनर लेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। पोयरो जैसे इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वह झट से वहां रुकने को तैयार हो जाते हैं। सूप सर्व हो जाता है। पोयरो कहते हैं मिसेज मेल्ट्रीवीज से कि कभी आपको ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि आप कभी आत्मा बुला के उससे पूछताछ करें? तो मिसेज मेल्ट्रीवीज कहती हैं किस लिए? पोयरो कहते हैं मैंने सुना है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मिसेज मेल्ट्रीवीज कहती हैं कि नहीं, मेरे पति की तो नेचुरल डेथ हुई, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। पोयरो कहते हैं मैं आपके पति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूँ जो सालों से इस घर में है। मैंने गाँव वालों से सुना है कि ये घर हॉन्टेड है। इतना कहा होता है पोयरो में तभी चीखती हुई वहाँ से जो मेड थी किचन में काम कर रही थी वो बाहर ड्राइंग रूम में आती है और कहती देखिए देखिए मालकिन मालिक वहाँ पर कॉरिडोर में खड़े हैं, बिल्कुल मालिक की ही छवि है और वो कॉरिडोर में खड़े होकर मुझे लगातार देख रहे हैं। ये बात सुनते ही पोयरो हेस्टिंग्स और मिसेज मेल्ट्रीवीज तेज़ी से उस कॉरिडोर में जाती हैं। कॉरिडोर पार करता हुआ एक आदमी जा रहा था जिसने हाथ में छड़ी टोपी लगाई हुई थी सर पे। वो दूर से देखने में बिल्कुल मिस्टर मेल्ट्रीवीज जैसा ही लग रहा था। वह देखते ही मिसेज मेल्ट्रीवीज के हाथ ठंडे हो जाते हैं और वो पैरों के हाथों को कस के पकड़ लेती हैं और वो कहती हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हम लोग के मन का वहम है। जैसे ही वो लोग ड्राइंग रूम में वापस आ रहे थे तभी शीशे की खिड़की पर 3 बार खटखटाने की आवाज़ होती है। ये देख कर मिसेज मेल्ट्रीवीज बहुत ज़ोर से डर जाती हैं। वह पैरों से कहती हैं कि वह कुछ देर वहाँ पर और रुक जाएं, उन्हें बहुत डर लग रहा है क्योंकि इस तरह से मिस्टर मेल्ट्रीवीज 3 बार खटखटाते थे खिड़की पे। पोयरो कहते हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं, वो देखिए बाहर आईवी प्लांट की लतर है, हवा के झोंके से वही बार बार खटखट की आवाज़ कर रही है। मिसेज मेल्ट्रीवीज उस तरफ देखती तक नहीं है। वो लोग सोफे पे बैठ रहे थे तभी ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और फिर बंद हो जाता है। मिसेज मेल्ट्रीवीज कहती हैं ये दरवाज़ा बहुत ही ख़राब है, हवा के झोंकों से देखो कैसे ये खुल रहा है और बंद हो रहा है, और ये प्रक्रिया बार बार होने लगती है। पोयरो उठते हैं और कहते हैं मैं अभी इसे लॉक कर दे रहा हूँ, फिर देखता हूँ ये किस तरह से खुलता है। पोयरो उठते हैं और चाबी घुमा देते हैं। पोयरो के वापस बैठते हैं तभी आश्चर्यजनक रूप से वह दरवाज़ा फिर से खुलता है। लॉक डोर जब खुल जाता है तब मिसेज मेल्ट्रीवीज के माथे पे ठंडा पसीना चलने लगता है। मिसेज मेल्ट्रीवीज ज़ोर से पोयरो का हाथ पकड़ लेती हैं और तभी घर की लाइट फ्लिकर होके बंद हो जाती है और उस दरवाजे के पीछे से एक छवि उजागर होती है। कैंडल लाइट में साफ साफ वह छवि देखी जा रही थी कि वह हूबहू मिस्टर मेल्ट्रीवीज जैसी थी। उनका चेहरा अजीब सा सफ़ेद लग रहा था और होंठ के बगल से खून बह रहा था। मिसेज मेल्ट्रीवीज पोयरो की हथेली को पकड़ती हैं ज़ोर से और कहती मुझे बचा लो, उसका खून मेरे सर पे है, वह मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो पोयरो। पोयरो कहता है मिसेज मेल्ट्रीवीज देखिए आपकी हथेलियाँ। और जब मिसेज मेल्ट्रीवीज अपनी हथेली देखती हैं तो उस पर पूरी हथेली पे खून के धब्बे ही धब्बे थे। वह चीखती हैं और कहती हैं मेरा सर पे उसका खून है, मुझे बचा लो पोयरो, मेरे सर पे उसका खून है। बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती हैं। तभी पोयरो कहते हैं लाइट्स ऑन,
सब लोग अजीब तरह से हरकत में आ जाते हैं। हेस्टिंग्स आके लाइट ऑन करता है और जो छवि मिसेस माल्टीबिस के भूत की उजागर हुई थी वह फट से अपनी हैट उतारता है। पोयरो कहते हैं, एक्सीलेंट वर्क। वो जरा सा एक जो स्टेज होते हैं उसका आर्टिस्ट था, उसने बखूबी ऐसा मेकअप किया था कि एक झटके में वो बिल्कुल मिस्टर माल्टीबिस लग रहा था। खिड़की के पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर निकल के आ जाते हैं। वो खट खट की आवाज़ पुलिस इंस्पेक्टर ही कर रहे थे। पोयरो कहते हैं इंस्पेक्टर से कि मिसेज माल्टीबिस तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लेंगी, ये बहुत डर चुकी हैं और अगर इस तरह से उनको साइकोलॉजिकली डराया नहीं जाता तो वो कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं करती। फिर पोयरो पूरी कहानी एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि मिस्टर माल्टीबिस जब पैसे वाले थे तब उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़ी रकम से कराई, 50,000 पाउंड से, लेकिन फिर वो बैंकक्रप्ट हो गए। मिसेस माल्टीबिस, जिन्होंने सिर्फ पैसे की लालच में शादी की थी, वो इस बात से बहुत आहत हो गईं। उन्होंने मिस्टर माल्टीबिस से बार बार कह कह के वो बेनिफिक्शरी के रूप में सिर्फ अपना नाम दर्ज करवा लिया उस इंश्योरेंस की पॉलिसी पर, और फिर वो इंतज़ार करने लगी एक ऐसे मौके का जब वो साफ साफ कत्ल कर दें मिस्टर माल्टीबिस का और सारा पैसा उन्हें मिल जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। उस रात जब कैप्टन उनके घर आया था और उसने वो खबर बताई थी कि किस तरह से पुलिस को सुसाइड मींस अब नेचुरल डेथ लगी थी उस आदमी की जिसने सुसाइड किया था गन को मुंह में रख के, तब उनको एक आइडिया आया। अगले दिन उन्होंने नौकर को काम पे भेज दिया। नौकरानी किचन में काम कर रही थी और बाहर वो शूटिंग करने गए थे मिस्टर माल्टीबिस, उन्होंने एक गोली चला भी दी थी। तभी मिसेस माल्टीबिस कहती हैं कि देखो कितनी दिलचस्प कहानी कल सुनाई थी उस कैप्टन ने, कैसा बेवकूफ़ आदमी वो लग रहा होगा ना जब उसने राइफ़ल अपने मुँह में रखी होगी, क्या आप मुझे करके दिखाएंगे उसकी एक्टिंग की, वो कैसा लग रहा होगा। पत्नी को खुश करने के लिए मिस्टर माल्टीबिस ने अपने मुँह में राइफ़ल रख ली। उसके बाद मिसेस माल्टीबिस कहती हैं कि देखिए अब मैं इसका ट्रिगर दबा के देखती हूँ कैसा लगेगा, और कहते कहते वो ट्रिगर दबा देती हैं और वहीं पे मौत हो जाती है मिस्टर माल्टीबिस की। हेस्टिंग्स पूछता है पोयरो से कि आपको शक कैसे हो गया कि मिसेस माल्टीबिस झूठ बोल रही हैं, झूठ कि नाटक कर रही हैं दुखी होने का। तो कहते हैं पोयरो कि क्या तुमने उसकी आँखें नहीं देखी, उसकी वो बड़ी बड़ी नकली लैशेस लगाई हुई आँखें, इतने दुखी होने पर भी उसने मेकअप करना नहीं छोड़ा, अपनी आँखों में इतना सारा आई शेडो लगा के, नकली पलखे लगा के वो खूबसूरत दिखना चाह रही थी। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे उसने तुरंत कहा कि क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से आए थे, और उसने बार बार ये बात डॉक्टर को बताई थी कि कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, वो तो बहुत टेंशन में रहते थे। ऐसा बार बार डॉक्टर के सामने कहा गया कि डॉक्टर को यकीन हो गया कि मिस्टर माल्टीबिस बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत बीमार थे और इसीलिए हार्ट अटैक हेमरेज हो गया उनको ब्रेन में और वो उनकी मौत हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी ये, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर। आपको सुनने में कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।